1585 की जंग लड़ी तो मान्यवर कांशी राम जी, मान्यवर कांशी राम जी कोटि कोटि नमन है जी। साइकिल दे उत्ते आसान नहीं सी रहा, पूरे भारत का भ्रमण किया, अपने समाज में जगाया, उन्होंने हकों के प्रति उन्होंने जागृत किया। जय भीम, जय संविधान जी, जय कांशी राम जी। कांशी राम जी का अज प्री निवारण दिवस है जी, कोटि कोटि प्रणाम मान्यवर कांशी राम जी को। सत्ता दी दरवाजे साढ़े लिए खोलण वाले बहुजन समाज के मसीहा मान्यवर कांशी राम जी। मान्यवर कांशी राम जी 9 अक्टूबर को सदैव विछोड़ा दे गए थे सानू, पर साढ़े लिए सत्ता के दरवाजे खोल के गए। मान्यवर कांशी राम जी ने बहुजन समाज को उत्थे पहुँचाया जिहड़ा बाबा साहब का सपना हैगा सी जी। कोटि कोटि प्रणाम है जी अपने बच्चों नू, खुद नू भी। मान्यवर कांशी राम जी की जीवनी के बारे जरूर जागरूक होवो। और जदों मान्यवर कांशी राम जी ने शुरुआत की DRDO दे विच नौकरी करते सन, और DRDO दे दफ्तर दे विच महाराष्ट्र अंबेदकर साहब जी की छुट्टी ते महात्मा बुद्ध जी के दिवस से छुट्टी जी बंद कर दी गई। और फिर कांशी राम जी ने देखिया कि बाबा साहब अंबेदकर जी तो बाद दलितों लई बहुजन समाज लई कोई भी आवाज़ चक्कन वाला है नहीं, वड्डी शख्सियत एक वैक्यूम हैगा सी, खाली स्थान हैगा सी जिन्हों भरिया मान्यवर कांशी राम जी ने। महान शख्सियत आजाद भारत के बाबा साहब अंबेदकर जी तो बाद जे किसी ने दलित समाज बहुजन समाज लई सत्ता के दरवाजे खोले, उन्होंने हक लैके दिता, 1585 की जंग लड़ी तो मान्यवर कांशी राम जी। मान्यवर कांशी राम जी को कोटि कोटि नमन है जी। साइकिल दे उत्ते आसान नहीं सी रहा, पूरे भारत का भ्रमण किया, अपने समाज में जगाया, उन्होंने हकों के प्रति उन्होंने जागृत किया। तो सन 80 आते आते जदों ये आवाज़ दी कि मेरा समाज जड़ा वा वो दिल्ली च राज करेगा, मेरा समाज जड़ा वा UP दे सत्ता दे गलियारिया दे विच राज करेगा, शासक बनेगा, राह कितने भी आसान नहीं है सन। बहुत औखे राहों के मान्यवर कांशी राम जी ने पेंडा साढ़े लिए तय किया, और कितना कितने इन्निया मुश्किलां सन, कभी समाज का साथ पूरा नहीं मिलता सी, कभी पैसों की समस्या हैगी सी, पर सारिया समस्यावां दूर करते हुए कांशी राम जी ने सन 90 दे विच UP दे विच डंका वजाया, बहुजन समाज की सरकार लिया के दिती। और मान्यवर कांशी राम जी का यह कहना सी जी कि भाई 85 जिहड़ा इकट्ठा होना पेगा, SC ST OBC माइनोरिटी, इस मुल्क दी माइनोरिटी वह भी ध्यान देन जरा। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ 85 ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨੁਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੋਲੀਏ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ जो कि जागृत किया, किसी ने हक लैके दिते है, तो मेरे मान्यवर कांशी राम जी ने। कोटि कोटि नमन है जी। जय भीम, जय संविधान, जय कांशी राम।